भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा इंदौर टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों के नाम रहा। भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन था। भारतीय टीम ने दूसरा दिन का खेल खत्म होने तक 343 रन की लीड तो ले ली है, वहीं 493 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। बता दें आपको कि इंदौर टेस्ट का दूसरा दिन पूरे तरीके से मयंक अग्रवाल के नाम रहा, जिन्होंने अपने 8वें टेस्ट मैच में ही दूसरा दोहरा शतक जड़ा और 243 रनों की मैराथन पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 28 चौके और 8 छक्के लगाए। वहीं पहले तो पुजारा और मयंक अग्रवाल के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई और इस साझेदारी के टूटने के बाद विराट कोहली भी शून्य पर आउट हो गए। एक समय भारत की पारी डगमगा रही थी, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे और मयंक अग्रवाल के बीच अच्छी साझेदारी हुई और उस साझेदारी ने भारतीय टीम को 300 के पार पहुंचाया। इसके बाद 86वें ओवर में 309 रन के कुल स्कोर पर अजिंक्य रहाणे अपना विकेट गवा बैठे और शतक से चूक गए। अजिंक्य रहाणे ने 172 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली, उन्होंने 9 छक्के जड़े। बस इसके बाद तूफान आना बाकी था। तूफान था रविंद्र जडेजा और मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी का। मयंक अग्रवाल और रविंद्र जडेजा ने तेजी से रन जुटाने शुरू कर दिए। दोनों के बीच 123 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी हुई। इसी की बदौलत भारतीय टीम बेहतरीन रन रेट के साथ आगे बढ़ने में कामयाब रही। इसके बाद मयंक अग्रवाल भारतीय टीम के 432 रनों के कुल स्कोर पर 243 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा और उमेश यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस मैच में बल्लेबाजों की अकड़ यहीं से मानी जा सकती है कि आखिरी 10 ओवर में भारतीय टीम ने 97 रन, जो करीब 9.70 की रन रेट से आए, जोड़ दिए। ऐसे में अब भारतीय टीम की पकड़ तो इस मैच में मजबूत हो ही गई है, साथ ही अब भारतीय टीम पूरे तरीके से बांग्लादेश पर चढ़ती हुई नजर आ रही है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।